बतूला की बेटी साजदा के मुताबिक उनके भाई सज्जाद ने मोटरसाइकिल हमसायों के घर के बाहर खड़ी कर दी, जिसका हमसायों की ख्वातीन ने बुरा मनाया और उनकी चारों ख्वातीन रुबीना, साइमा, नूरीन और नाहिदा ने घर से बाहर निकलकर वालदा बशीरा बीबी से लड़ाई शुरू कर दी और तशद्दुद का निशाना बनाकर उसे हमेशा के लिए अपनी नींद सुला दिया। सब ने इसको मेरी माँ को इन्होंने मारा, मेरी मेरे ऊपर चढ़ के इन्होंने मारा, अभी बहाना लगा रही हम बेहोश है, सारे पुलिस वाले सारे इनके साथ मिले हुए हैं। मरी नहीं है वो, कत्ल किया गया, हमें इंसाफ चाहिए। अहले इलाका के मुताबिक चारों ख्वातीन के घर गैर मर्दों और पुलिस अहलकारों का आना जाना था, जिसके बाइस पुलिस इनसे मिली हुई है। अहले इलाका ने पुलिस की जानब से मुलजमान के खिलाफ सुस्त कार्रवाई किए जाने के खिलाफ थाना शमाली छावनी के बाहर ट्रैफिक ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, आए दिन महीने के महीने ये लड़कियाँ हमारे से पंगे करती हैं, हमारे बच्चों के हाथ पैर मोड़ देती हैं। इंसाफ चाहिए, सानू कुछ नहीं चाहिए। तीन पुलिस वाले एक थानेदार जाता रहा, दो घंटे तीन तीन घंटे उन्होंने अंदर रहना, साड़ी फरियाद बाजी सुनी। जराए के मुताबिक पुलिस ने बशीरा बीबी को कत्ल किए जाने के खिलाफ चारों खवातीन और रुबीना के खामन गुलजार को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ जुनेद रियाज की रिपोर्टिंग।